शेख सरांना माझा क्वेश्चन आहे की तुम्ही जे सांगितलं 68 आणि 38 डिव्हिजन 62 आणि 38 तर 62 ऑल थँक टू आझाद सर की आमचं 62 जे 5 बेसिक्स त्यांनी सांगितले होते पिलर त्यांच्यावर आमचं 62 कन्फर्म होत आहेत. पण 38 आम्हाला करंट अफेअर्ससाठी माझा थोडा डायलेमा असा होता की न्यूजपेपरला किती फोकस करावं आणि किती रिले राहावं आपण करंट अफेअर मॅगझिनवर. तर या दोन्हींमध्ये नक्की काय चूज करावं कारण का ते 38 सिक्युअर करणं पण आता करेक्ट इम्पॉर्टंट आहे. येस व्हेरी गुड क्वेश्चन. सी करंट अफेअर्स में न्यूजपेपर का कितना रोल है. आई विल से दैट न्यूजपेपर का बहुत ज़्यादा रोल है. डेली आपको न्यूजपेपर पढ़ना ही है. यू रेफर टू 10 मैगजीन्स बट अनलेस यू डोंट रीड न्यूज़पेपर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि न्यूज़पेपर से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. और क्वेश्चंस का अगर आप नेचर देखोगे तो दे आर अप्लाइड. आपने जो पढ़ा है न्यूज़पेपर में वो डायरेक्टली यूज़ नहीं होगा लेकिन आपका कुछ इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग बनेगी जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे. मैगजीन्स में होता क्या है सब कलेक्शन एक साथ तो होता है ठीक है लेकिन उसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती है. बस फैक्ट्स आते हैं ये इतना परसेंट है इधर उतना ड्रॉट आ गया है यहाँ पे ये स्कीम्स चल रही है गवर्नमेंट की उसके ये प्रोविजंस है. लेकिन क्वेश्चन नहीं आता. आपको एग्जांपल दे देता हूँ. इस साल क्वेश्चन था कि दो ब्लैक होल मर्ज हुए थे इन 2016 उससे हमको क्या पता चला. अब ये कोई मैगजीन में नहीं मिलेगा ठीक है. अगर वो मैगजीन बहुत अच्छे से क्यूरेट की गई है अगर वो किसी ने उस पर्सपेक्टिव से बनाया है तब आपको मिल जाएगा वो सारी चीज़ें उसमें. लेकिन आपको ये चीज़ न्यूज़पेपर से ही मिलेगी. तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही है लेकिन मैगजीन को भी निगलेक्ट नहीं करना है क्योंकि न्यूज़पेपर आप 10 न्यूज़पेपर तो पढ़ नहीं सकते हो. एक ही न्यूज़पेपर पढ़ोगे टाइम नहीं है उतना. तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है लेकिन उसके साथ कोई एक मैगजीन आपको पढ़नी है. तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये स्पेक्ट्रम की ही मैगजीन पढ़ो. होलिस्टिकली कवर हो रहा है सब कुछ. लेकिन मैगजीन तो पढ़ना ही है क्योंकि न्यूज़पेपर लेकिन न्यूज़पेपर को भी निगलेक्ट नहीं करना है. प्राइमरी सोर्सेज न्यूज़पेपर एंड सप्लीमेंट इट विद मैगजीन. ओके थैंक यू सर. सर विदिन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड हाउ टू अप्रोच द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन एंड हाउ टू प्रेफरेंसाइज दैट सब्जेक्ट लाइक एसे वी हैव एसे पेपर GS1 GS2 GS3 GS4 अलोंग विद ऑप्शनल सब्जेक्ट हाउ टू एलोकेट द टाइम हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट. सी दिस इज द मोस्ट कॉमन डिफिकल्टी फेस्ड बाय एस्पिरेंट्स कि टाइम मैनेजमेंट कैसा करें. कितनी सारी चीजें करने के लिए प्रीलिम्स भी पढ़ना है मेंस भी पढ़ना है ऑप्शनल भी है एसे भी है इतनी सारी चीजें. तो देखिए सबसे पहले तो घबराना नहीं है ठीक है. और लोग कर रहे हैं उनके पास भी 24 आवर्स है आपके पास भी 24 आवर्स है. आपको भी दिन में 8-10 घंटा ही पढ़ना है ठीक है बट प्रोडक्टिवली पढ़ना है. अब आप टाइम एलोकेट कैसे करोगे. सी फर्स्ट थिंग इज यू स्टार्ट विद बेसिक्स ठीक है. तो जो भी क्लास में फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ. जो भी क्लास में पढ़ाया गया है ठीक है उसका नोट्स बन गया क्लास में. उसके बाद गो एंड रीड द सेम टॉपिक फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. जैसे आपको क्लास में फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स पढ़ा दिया तो फंडामेंटल राइट्स के आपके पास नोट्स है. गो एंड रीड फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द लक्ष्मीकांत. ओके उसमें से जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेगी वो अपने नोट्स में ऐड कर दो और आपका फाइनल नोट तैयार हो जाएगा. तो आपको ये मैनेज करना ही नहीं है कि मुझे एक महीने में पॉलिटी खत्म करना है 2 महीने में हिस्ट्री खत्म करना है क्योंकि वो टाइम टेबल क्लास में बन चुका है. आपको बस उसके साथ अपने टाइम टेबल को अलाइन करना है कि क्लास में अगर पॉलिटी खत्म हो रहा है तो मेरा भी पॉलिटी खत्म हो जाना चाहिए. क्लास में अगर हिस्ट्री खत्म हो रहा है तो मेरा भी हिस्ट्री खत्म हो जाना चाहिए. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ के बेसिक नोट से पढ़ के एंड इट शुड बी मेमोराइज्ड इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. ओके तो दैट इज वेयर हार्डवर्क कम्स इन टू प्ले. ये जो आपने पढ़ा है घर पर जाकर आप उसको अच्छे से रिवाइज करो. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से उसी मटेरियल को पढ़ो और उस मटेरियल को अपने नोट्स में ऐड करो और उसको रिवाइज करते रहो ठीक है. तो इसमें आपका GS तो कवर हो गया. रही बात ऑप्शनल की. ऑप्शनल में आप क्या करोगे आपके पास दिन में जो भी टाइम है उसको हाफ में डिवाइड कर दो. गिव हाफ टू ऑप्शनल्स गिव हाफ टू जनरल स्टडीज. ओके ऐसे के लिए आपको अलग से कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है. कंटेंट आपका यही डेवलप होता है. बस आपको राइटिंग स्टाइल आना चाहिए कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. ऐसे में थोड़ा एलैबोरेटिवली लिखना होता है ऐसे में. तो ऐसे में आपको क्या करना है आपको ऐसे लिखने हैं. तो यू कैन एलोकेट संडे टू संडे आप ऐसे लिखोगे या हर 15 डेज में आप ऐसे लिखोगे. इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो एलोकेट टाइम. ओके और अभी जो है फोकस ऑन प्रीलिम्स. जैसे ही आपका प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म होना स्टार्ट होगा आई मीन द क्लासेस एंड ऑल उसके बाद आप आंसर राइटिंग मेंस का पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो और प्रीलिम्स के बाद एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स. ओके
तो अभी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, अभी आपने स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन, तो यू कैन स्टार्ट। बट जो लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन, वो लोग को पहले एक बेसिक कंटेंट रेडी होना चाहिए। अगर आपका बेसिक कंटेंट रेडी है, उसके बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। आप आंसर राइटिंग करोगे कहाँ से? तो बहुत सारे सोर्सेस है। आई विल रिकमेंड द बेस्ट सोर्सेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि जो मार्केट में क्वेश्चंस होते हैं उनका नेचर और यूपीएससी के क्वेश्चंस का नेचर बहुत अलग होता है। तो बेस्ट सोर्स टू अंडरस्टैंड यूपीएससी का माइंडसेट इज सॉल्विंग यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर। तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, उसके आंसर्स लिखो, और उसके आंसर्स पे फिर आप ब्रेनस्टॉर्म करो कि मैं इस आंसर में क्या इंक्लूड कर सकता था, इसमें मैं कोई एग्जांपल यूज़ कर सकता था, इसमें मैं डायग्राम यूज़ कर सकता था, इसमें मेरा कंक्लूजन और बेटर हो सकता था। तो सिर्फ आंसर लिख के छोड़ नहीं देना है उसको, उसके ऊपर बैठ के उस पर एनालाइज करना है कि दिस शुड हैव बीन द इम्प्रूवमेंट इन माई आंसर, और फिर उस इम्प्रूवमेंट को आपको नेक्स्ट आंसर में इम्प्लीमेंट करना है। दैट इज़ हाउ यू विल इम्प्रूव। ओके, एंड देन चेक योर कॉपीज फ्रॉम, किसी से चेक करवा लो, व्हेन आई विल बी कमिंग हियर आई विल चेक, ठीक है? तो उसी से आपको, उस तरीके से यू कैन इम्प्रूव अपॉन योर आंसर्स। ओके, समरी जो आती है ना क्लासेस की, हाँ नहीं, देखो प्रीलिम्स के 15 दिन पहले कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। प्रीलिम्स के पहले यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, जो आपने पढ़ा है वही सब है, यू आर द बेस्ट इन इंडिया, ऐसा इमेजिन करके जाना है। 15 दिन पहले कोई नया सोर्स नहीं पढ़ना है। बजट जो डॉक्यूमेंट आता है फरवरी में आता है, तभी आप उसको एक ग्लांस कर सकते हो, एंटायर डॉक्यूमेंट को, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, वो आपको मेंस में भी बहुत काम आएगा। इकोनॉमिक सर्वे से एक क्वेश्चन आता ही है, यू कैन रीड द ओरिजिनल सोर्स। हाँ हाँ, गवर्नमेंट का, उसमें भी क्या होता है, दिखेगा बहुत बल्कि 200 पेजेस का, लेकिन होता क्या है, डायग्राम्स है, ग्राफ्स है, तो उसमें 100 पेजेस तो ऐसे ही निकल जाते हैं। 100 पेजेस पढ़ने हैं, 3 दिन का काम है, ठीक है? उसका शॉर्ट नोट्स बना लो, रिवाइज इट, और एक क्वेश्चन उसमें से आएगा, मतलब 10 मार्क आपके सिक्योर है। तो उतना वर्क तो आप कर ही सकते हो, कल्चर के लिए आप इतना मोटा मोटा बुक पढ़ते हो तो इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है? हाँ, तो एटलीस्ट आपके 2 से 3, जो भी आपने पढ़ा है उसके 2 से 3 रिवीजन होना चाहिए, ऐसे आप बफर टाइम छोड़ के चलो, ठीक है? अभी सपोज आप 2 जून को प्रीलिम्स था, तो 1 मई तक आप, अगर आपने पढ़ाई की तो 1 महीने के अंदर आपके 2 से 3 रिवीजन होंगे, इस तरीके से आप टाइम एलोकेट कर लीजिएगा, ठीक है? जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेली आप 7 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस जो भी ले रहे हो टाइम लगा रहे हो 1 घंटे का, और उसमें आप वो चीज़ नहीं लिख रहे हो जो आप ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, जो मेमोराइज कर रखा है, उसमें आप आंसर क्रिएट कर रहे हो। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ, तो आप इसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो कि एट द मोमेंट इन द एग्जाम सिचुएशन आप आंसर को कैसे क्रिएट करोगे, कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, मेरे दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मैं आंसर में लिखने वाला हूँ, दिस शुड बी द फर्स्ट पॉइंट, दिस शुड बी द सेकंड पॉइंट, दिस शुड बी इन माई इंट्रोडक्शन, दिस शुड बी इन माई कंक्लूजन। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में जाके बैठोगे तब तो नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी उसकी, और वो फर्स्ट इंस्टेंस में भी नहीं आएगा। सपोज कल आपने आंसर लिख दिया तो नहीं आएगा सारी चीज़ें, बट आप उस पर बैठ के सोचोगे, परसों आएगा, उसके बाद आएगा, इम्प्रूव होता जाएगा। ओके, तो वही चीज़ की प्रैक्टिस है, आर्टिकुलेशन की ही प्रैक्टिस है, जो भी आपने पढ़ा है उसको बाहर लाने की प्रैक्टिस है। ओके, इंजिनियरिंग मध्ये आपण शक्यतो पाहतोच की कंटिन्युटी मुलांमध्ये नसतेच, सगळे व्हेरिएबल कॉन्स्टंटली नसतेच। मतलब ये कह रहे हो कि इंजिनियरिंग में 2 दिन में पढ़ के एग्जाम पास कर लेते हैं, और इसमें 6 महीना आप 7 महीना लगातार, तो वो कैसे किया जाए? आपका तुमचा तेव्हा माइंडसेट कसा होता कि ट्रांजिशन? देखो ट्रांजिशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा है ना, इनिशियली ये आता है, इंजीनियरिंग में तो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं कि आराम से पढ़ लेंगे एक दिन पहले और एग्ज़ाम लिख के हो जाएगा, लेकिन यूपीएससी में नहीं चलेगा क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है और आपको याद रखनी है चीज़ें, ठीक है? इट इज़ नॉट अ टेक्निकल एग्ज़ाम, टेक्निकल एग्ज़ाम नहीं है, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशूज हैपनिंग अराउंड यू। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हो तो इशू धीरे धीरे डेवलप होता है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो मोटिवेशन, आपके अंदर जितना ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा उतना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहोगे, और आपका जब गोल क्लियर है कि मुझे आईएएस बनना है, तब आपको ऑटोमेटिकली वो मोटिवेशन देगा 6-7 घंटा पढ़ने के लिए डेली। मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो ये आप रिपीट करो खुद को कि आज मुझे ये मेरा टारगेट है, आज मुझे इसको अचीव करना है, तभी मैं सोऊंगा। और वो जब आप डेली करोगे तो वो हैबिट बन जाएगा। इनिशियली आपको प्रॉब्लम आएगा 15 डेज 20 डेज
लेकिन उसके बाद वो हैबिचुअल हो जाएगा, आप 6-7 घंटे तो ऐसे ही पढ़ लोगे। मैंने बोला ना 100 पेजेस 3 दिन में ऐसे ही कर लोगे आप, शुरू में प्रॉब्लम आएगा बट ट्रांजिशन में विद टाइम जस्ट कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। एक वो पीरियड होता है ना, जब तक उस पीरियड में वो हार्डेस्ट पीरियड होता है, बहुत लोग उसी में गिव अप कर देते हैं, तो वो गिव अप नहीं करना है, करते रहना है, बी मोटिवेटेड, बी क्लियर अबाउट योर गोल एंड डेफिनेटली वो हो जाएगा। अगर आपका गोल क्लियर है तो डेफिनेटली आप 6-7 घंटे या 10 घंटे भी आप खींच लोगे। ठीक है, यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट प्रीलिम्स एग्जाम, हाउ कैन अटेम्प्ट यू मोर एंड मोर क्वेश्चन, राइट वे और अप्रोच टू सॉल्व पर्टिकुलर क्वेश्चन? फिर से बताओ। एखादा क्वेश्चन सॉल्व करताना आपला अप्रोच कसा असावा, जास्तीत जास्त क्वेश्चन कसे अटेम्प्ट करावे प्रीलिम्स में? देखो प्रीलिम्स में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो ये नहीं करना है कि 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने, हाँ बट मैक्सिमम क्वेश्चंस करके आने। मेरा स्ट्रेटजी ये रहा है कि 85-90 क्वेश्चंस करो। ठीक है, 85-90 क्वेश्चंस में ये होता है कि आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं जाएगा लेकिन आपके बहुत सारे करेक्ट जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, बहुत कम अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर 85-80 से कम अटेम्प्ट करोगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर एग्जाम, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए तब। तो आई हैव रिटन 4 times एंड ऑल 4 times मेरा मार्जिन अबव 20 मार्क्स ज़्यादा रहा है कट ऑफ से। तो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी कि एटलीस्ट 85 क्वेश्चन यू शुड अटेम्प्ट, और उसमें से मैंने जैसे बताया 40 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको नहीं पता होगा आंसर। ठीक है, उसके बाद एलिमिनेशन है, लॉजिक है, कॉमन सेंस है, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप पढ़ोगे उसको बस पढ़ेंगे छोड़ नहीं देना है, उसके ऊपर सोचना है। जैसे सर ने बताया ना, यू हैव टू थिंक ओवर इट। पढ़ के इकोनॉमी का कोई टॉपिक पढ़ा, मनी सप्लाई फॉर एग्जांपल, मनी सप्लाई में आपने पढ़ लिया कि M0 इज इक्वल टू MS इज इक्वल टू M0 इनटू जो भी जो सारी चीज़ें पढ़ ली, लेकिन उसको सोचना है कि वो मार्केट में कैसा हो रहा है। और जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो वो सपोज RBI ने रेपो रेट कम कर दिया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो ये बैठ के सोचना है आपको। तो जब आप बैठ के सोचोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर होगी। इस बार क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में कि अगर रुपये का वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा है तो RBI को क्या करना चाहिए, तो ये जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब तक आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कंसेप्चुअली और यू हैव टू थिंक ओवर इट, जो भी आप पढ़ोगे सोचना है उसके ऊपर, और 85 से कम अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, हाँ बहुत सही बात की आपने कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है, मतलब इतना कुछ है पढ़ने के लिए कि 5 साल भी पढ़ोगे, वो 5-year प्लान भी बना लोगे तब भी नहीं होगा खत्म। तो वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट टू योर सोर्सेस। बेसिक बुक्स तो आपको पता ही है सारे, अगर आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए स्टिक टू वन सोर्स, कोई भी एक सोर्स को, स्पेक्ट्रम का मैगजीन है उसको स्टिक करो और उसी से पढ़ो। ठीक है, डोंट गो फॉर 2-3 things, उससे क्या होगा कन्फ्यूज भी हो जाओगे और उससे कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है, क्योंकि एक फोटोग्राफिक मेमोरी भी होती है ना, मैंने यहाँ पर ये पढ़ा है, इस कॉर्नर में ये चीज़ पढ़ा है, तो वो भी क्लिक हो जाता है कई बार। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्ट योर सोर्सेस, बार बार उसी को पढ़ना है। इंटरनेट का यूज़ क्या है इस एग्ज़ाम में, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। ठीक है, अगर आपको सपोज इकोनॉमी का कोई है तो कोई कंसेप्ट है वो आपने सर्च कर लिया तो इकोनॉमी स्पेसिफिक वेबसाइट्स है, उस पर डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, या फिर अगर आपको कोई टॉपिक है, ठीक है, वो बेसिक बुक्स में उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, जैसे डेफिनेशन है NGO का डेफिनेशन, ठीक है, वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। या कुछ डेटा आपको चाहिए, ठीक है, इंडिया में क्राइम अगेंस्ट वुमेन कितना परसेंट है एज पर NCRB डेटा, तो वो आपको मिल जाए। तो इंटरनेट को डिमांड बेस्ड यूज़ करना है, उसको सप्लाई एज अ सप्लाई यूज़ नहीं करना है कि जितना आ रहा है लेते जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपकी जो डिमांड है बस उतनी फुलफ़िल होनी चाहिए, मुझे जो प्रॉब्लम आ रहा है बस मैं उतना फुलफ़िल करूँगा इंटरनेट से। ठीक है, वरना ऐसे तो इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें, वो आता जाएगा, आप लेते जाओगे और आप एनसाइक्लोपीडिया बन जाओगे और कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो डिमांड बेस्ड रखो उसको। ओके, करंटली आई हैड कंप्लीटेड माय FIBA एंड सिंस 6 months आई एम डूइंग माय प्रिपरेशन, सो फॉर द नेक्स्ट 2 years हाउ शुड आई गिव FIBA लाइक वे टू माय प्रिपरेशन नेक्स्ट 2 years? ओके, हर वेळेस असा प्रश्न येतो की समोरच्या कालखंडामध्ये, म्हणजे समोरच्या 2-3 वर्षामध्ये
जसं ऑप्शनलचा विषय येतो किंवा फार्मचा विषय येतो की नाही झालं तर मग नेक्स्ट ऑप्शन काय, जसं सीएपी असिस्टंट कमांडंट आहे, तर या दोन्ही एक्झाम्सची प्रिपरेशन आतापासून कशी करू शकतो? हां, तो आपके पास अभी 2 साल है क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दिया है, तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज है, बहुत जल्दी आपने मतलब सही टाइम पे स्टार्ट किया है उस हिसाब से। आई स्टार्टेड आफ्टर माई ग्रेजुएशन, तो ये 2 साल आपको वेस्ट नहीं करने, यूटिलाइज करने। कैसे? फर्स्ट थिंग इज न्यूज़पेपर्स, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर सीरियसली, क्योंकि ग्रेजुएशन में हम क्या करते हैं कि पढ़ेंगे आराम से, जब सीरियस प्रिपरेशन करेंगे तब। नहीं, अभी से सीरियसली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, स्पेशली द एडिटोरियल्स। हिंदू का जो बीच वाला आता है ना, एडिटोरियल कॉलम, ओपिनियन, वो पढ़ना स्टार्ट करो। दूसरी चीज, एनसीईआरटीज को आप फिनिश कर दो, है ना। 6th से 12th स्टैंडर्ड की सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स मेंशनड है वो सारी एनसीईआरटीज वेबसाइट पे मिल जाएगी, डाउनलोड करो, पढ़ो, हाईलाइट करो, फिर से पढ़ो, 3 से 4 बार पढ़ लो। वो चीज़ आपको डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हेल्प करेगी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, ठीक है। एनसीईआरटीज कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ कवर नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे डेवलप कर देता है कि आपको अप्लाई करता है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा था कि ईस्ट अफ्रीकन नेशंस में, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन था कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है, डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस, ये कैसे हुआ था। अभी कोई आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, जो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो कहीं नहीं मिलेगा, बट एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, आप पूरा आंसर लिख सकते हो उस बेसिस पे। तो आपने वो आंसर अगर लिख दिया तो आपको ऑटोमेटिकली 3 से 4 मार्क का एज मिल जा रहा है, और यहाँ पे 1-1 मार्क के लिए कॉम्पिटिशन है। तो 2 साल में आप न्यूज़पेपर एनसीईआरटीज, ओके। और अगर सर का कोई ऐसा कोई फाउंडेशन कोर्स होगा, आपके पास टाइम है तो वो ज्वाइन कर लो, आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ऑप्शनल सिलेक्ट करना है कैसे? समोरच्या काळामध्ये जर का समजा ऑप्शनल गेला तर मग आतापासून तयारी करण्यापेक्षा शेवटच्या वर्षामध्ये? ऑप्शनल डिसाइडेड आहे, पॉल सायन्स, पॉलिटिकल सायन्स, ठीक है। तो स्टार्ट रीडिंग, सबसे पहले तो सिलेबस, ठीक है, सबसे पहले तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटीज, इसको डबल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 11th 12th के जो भी है, पॉलिटिक्स एट वर्क, और हाँ, तो ये दूसरा जो आपके पॉलिटिकल साइंस के स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है, यू कैन गो थ्रू इट वंस। तो पॉलिटिकल साइंस के जो भी आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है वो आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप बाद में एक बार बस पढ़ लेना उसको, बाद में आप कोचिंग ज्वाइन करोगे आपके ग्रेजुएशन के बाद, या अभी टाइम होगा तो अभी कर लेना, ठीक है।